भी दुल्हन को, तू ही बता रहे तुझे कौन सा अच्छा लग रहा है। सब अच्छे हैं। नहीं नहीं नहीं, एक बताना पड़ेगा भाई। तो दोस्तों इनके यहाँ पे रिवाज है कि सर पे रख के ले जाते हैं सब कुछ। लगाना है ढंग से, लगा ढंग से लगा। चाहे मौसी है उसकी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम है आपका कल्पनाथ ब्लॉग में। कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। मैं तो एकदम स्वस्थ, जबरदस्त, मस्त हूँ। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है नोएडा से, सेक्टर 52। और मैं हूँ अभी दिल्ली में। और दिल्ली की शुरुआत कैसे होती है? घर की शुरुआत होती है घर के कपड़ों में। अस्त व्यस्त तो वैसे भी हो रखी हो, लेकिन घर देख के। तो आज आपको दिल्ली दिखाते हैं, दिल्ली की बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। और यहाँ पे देखिए सब लोग उठ चुके हैं। मैं सबसे लेट हुई, मैं सबसे लेट सोई थी, मैं थोड़ा ब्लॉग एडिटिंग वगैरह कर रही थी। एक लड़की है वो मेकअप कर रही है, एक लड़की बच्चे को सुला रही है, एक हम हैं जिनके बच्चे बड़े हो चुके हैं, है ना। तो चलिए दोस्तों मैं एक बार आपको बैक व्यू दिखाती हूँ, अगर मेरे से दिख पाया तो। दोस्तों ये देखिए, ये मेट्रो है सामने ना, ठीक। तो दोस्तों ये मेट्रो है, मेट्रो नहीं है, मेट्रो की लाइन है बिछी हुई। और ये है अपना नोएडा जहाँ हम आए हैं। क्या लिखा हुआ है? सेक्टर 52, 71, 122। तो हम यहाँ पे है। सॉरी जब तक आपके वीडियो आएगी तब हम घर जा चुके होंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ देखिए। हाँ ये रवीना, ये उठ चुकी है अपनी बेटी को, सो गई है। और यहाँ देखिए मेकअप करने के बाद क्या जतन करने पड़ते हैं भाई। पेटीकोट से हवा दी जा रही है अपने आप को, पेटीकोट। ये दरवाजा बंद कर दिया। और यहाँ देखिए सुबह का मेकअप चल रहा है, और मैं तो बिल्कुल ही अस्त व्यस्त हूँ यहाँ। तो चलिए दोस्तों ऐसी मैं अभी लगी, अब मेकअप करने के बाद परी बन के निकलूंगी एकदम। दोस्तों हम वीडियो बना रहे थे, अपने सुबह को बोला साइड में आ तो आ रही है, सो शीशे पे ही चिपक गई। अब इतना भी चिपकना हो गया, बैठ जाओ। हद है यार, मतलब बदतमीजी की खाद होती है। तो दोस्तों चलिए फटाफट से रेडी होते, बैग देखे यहाँ ऐसे हो गए ना आस्ते व्यस्त। लाइट बफरिंग कर रही है यहाँ बहुत ज्यादा। तो दोस्तों यहाँ पे हो रही है शादी की तैयारी। तो ये देखिए दोस्तों ये तैयारी हो चुकी है। ये है दुल्हन की बहनों के लिए, ताकि उनकी भी शादी जल्दी हो जाए। ये बताओ ये कौन सा कलर अच्छा लग रहा है तुम्हें? इसमें से दो टाइप के हैं, बताओ। हाँ बताओ ना, आप एक लड़की से कम थोड़ा लग रहे हो आज। कौन सा अच्छा लग रहा है? ये कलरफुल अच्छा लगेगा। हाँ भाई बहनों, अरे बहने भी दुल्हन को, तू ही बता दे तुझे कौन सा अच्छा लग रहा है। सब अच्छे हैं। नहीं नहीं नहीं, एक बताना पड़ेगा भाई। पहली बार डार्क कलर चूज किया उसने। अच्छा यहाँ देखो जरा, दुल्हन की चाची उफ मौसी, आप बताओ आपको कौन सा अच्छा लग रहा है इनमें से? दो है ना, दो कलर है। पिंक वाला, रेड वाला। ओ सबकी चॉइस अलग है, बढ़िया है। मुझे सारे अच्छे लग रहे हैं दिखने में, तो सारे अच्छे लग रहे हैं। नहीं सिस्टर ये राइट का, चलिए वो लेफ्ट का होनी पड़ती है। आ मां कान तोड़ गया मेरा, टूट गया लाला। तो दोस्तों क्या क्या जतन करने पड़ते हैं शादी के लिए? ये है जो आज का खास है, और इसके लिए अभी देखेंगे कि ये बांटते हैं सबको, पहले रेडी हो जाते हैं उसके बाद देखेंगे। और मेरा तो अभी कुछ भी नहीं हुआ, तो मैं फटाफट तैयार होकर आती हूँ ना। दोस्तों हम हो चुके हैं रेडी, और ओए बंदोली इधर देंगे, ओ चले। तो चलिए दोस्तों हम हो चुके हैं रेडी, और अब हम निकल रहे हैं कहाँ? बांध के लिए। अब इनके यहाँ कहते मतलब जहाँ से रवीना और इनका बांधे कहते, लेकिन हमारे यहाँ बांध कहते हैं। तो हम जा रहे हैं हल्दी हाथ के लिए, जो हिंदी में कहा जाता है। और यहाँ देखिए ये दोनों निकल चुके हैं ये। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे आगे, और कमेंट करके बताएगा हम कैसे लग रहे थे। मैं एक बार अपना बैक लुक ना वहाँ जा कर देखूँगी। तो हम वेडिंग पॉइंट में पहुँच चुके हैं, और यहाँ देखिए तो अपना बैक लुक दिखाने के लिए मुझे कैमरा देना पड़ेगा सुबह को, तो वो दिखाएगी। पहले ना नाश्ता वाश्ता देखते हैं कि कहाँ है कुछ प्रोग्राम नाश्ते का। दोस्तों ये है रवीना का लुक। रवीना वहीं रहे, वहीं रहे, वहीं रहे, वहीं रहे।
तो ये रवीना और रवीना की लड़की का लुक है। चलो बे रवीना अब शोभा आएगी। ये है शोभा का लुक। का लुक तो कमेंट करके बताएं कल्पना दीदी कैसी लग रही है। पीले के साथ रेड अच्छा लगता है तो बताएगा हम तीनों में से सुंदर कौन लग रहा है। वैसे मुझे पता है रजनी सुंदर लग रही है। तो आ गए हम नाश्ता करने के लिए और यहाँ पे ब्रेड पकौड़ा है। थैंक गॉड यहाँ पे ब्रेड पकौड़ा है क्योंकि मैंने काफी टाइम से ब्रेड पकौड़ा नहीं खाया था और अगर पूरी होती ना तो मेरा दिल टूट जाता। तो अच्छी लगती है नहीं क्योंकि इसमें टाइम लगता मुझे पसंद नहीं है ना मुझे भी नहीं पसंद बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों ब्रेड पकौड़ा खाते। तो दोस्तों यहाँ देखे पहाड़ी शादी किसान दोस्तों यहाँ पे ना एक से एक अच्छे अच्छे वो चल रहे हैं। यहाँ देखिए यहाँ भी फोटो शूट चल रहा है। यहाँ भी फोटो शूट चल रहा है। आया गुलदस्ता वापस। ये भावना इधर दे दे हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे हल्दी कुटी जा रही है। इसकी मम्मी काम काम काज ही नहीं है ना इसकी मम्मी। अब कूटो तूने भी तो कूटना है। तो दोस्तों यहाँ पौड़ी में भावना लोगों के यहाँ रिवाज होता है कि सर में लेके जाना है। तो दोस्तों यहाँ देखिए लड़की आ चुकी है भावना हमारी बहुत ही सुंदर लड़की। तो दोस्तों इनके यहाँ पे रिवाज है कि सर पे रख के ले जाते हैं सब कुछ और भावना की मौसी चाची मामी बुआ सब। दोस्तों यहाँ दुल्हन जा रही है अंदर बांध के लिए हल्दी हाथ होगा तो इसका। और यहाँ देखिए इनके यहाँ अलग से रीति रिवाज है। दुल्हन अभी अंदर जाएगी। इनके रीति रिवाज है कि यहाँ पे सर में रख के ले जाते हैं। तो चलिए आया।
थोड़े बहुत मतलब मौसम दोस्तों सो दे रही है हल्दी हाथ पे बांध भावना को बना सो भूत इसका लगाना है ढंग से लगा चाहे मौसी है उसकी चाची है लगा ढंग से लगा वाह बहुत हो गया अच्छे लग रहे हो चले का कार्यक्रम निपट चुका है मतलब आधा फाधा जितना हम मतलब हो पाया अब हम जा रहे हैं अपने कुछ दोस्तों से मिलने और थोड़ा पार्टी वार्टी करने क्योंकि अभी 1 बज रहे और बारात आनी है 8 बजे तक तो हमारे पास 5 बजे तक का समय है हम आ जाएंगे 5 बजे तो चलिए फटाफट से चलते हैं एंजॉय करते हैं और सैम लोग भी आ चुके हैं ये अपना ग्रुप अब चले तो दोस्तों हम निकल चलो गांधी जी के बंदर इशारा करो बुरा मत बोलो बुरा मत सुनो बुरा मत देखो ये देखो गांधी जी के 3 बंदर और गांधी जी का सबसे बड़ा बंदरिया और हमारे बंदरिया ऐसा ये बंदरिया की सास और ये बिल्कुल बंदरिया लग रही है मैंने चढ़ गया भगवा रंग रंग भैया किस ये देगी पैसे दे चलो हम चलते नहीं दे रही पकड़ के ले जाओ इसे जाओ तो देखते कौन कौन टपता है ये चल सोबा टप के दिखा टपो टच नहीं होना है ये चल सोबा अबे छोड़ ना ये भी माँ के साथ ये तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं लॉजिक सिटी सेंटर तो चलिए चलते हैं अंदर देखते हैं क्या है इस लॉजिक में कुछ लॉजिक तुम इतने काले क्यों लग रहे हो नहीं तुम इतने काले क्यों लग रहे हो अरे ये तो कॉर्सेट पहन के तो रोशनी दी कितना खाती है आज पता चलेगा और यहाँ देखो कितना आराम से लो यहाँ इधर आओ आराम तो ये अकेले खाएगी इतना सारा और ये किन लोगों को धक्का मार जा रही है मतलब इसको ऐसे यार दोस्त क्या है कि लोगों को धक्का धुक्का मारोगे तुम क्या चल रहा है क्या है रोशनी दी तुम क्यों हो तुम ऐसे अब दोस्तों हमसे पहले इन लोगों का आ चुका है और इन लोगों ने खा चुका है तुम खा चुके हो कितने भूखड़ लोग हैं ये तो ये देखिए दोस्तों एक अकेले रवीना है यहाँ पे जिसने सब खाया है ना सैम सबका मेरा भी सब कुछ खाया है और ये देखो अभी कह रही है सांभर की छोड़ना पैसे लगे मैं सब खा के जाऊंगी तो बहन ऐसा करना ये भी चाट वाट सब कुछ नहीं छोड़ना चाहिए ये बचा इसमें बचा है नहीं नहीं और ये बर्फ भी है ले बहन खा ले हाँ खा बहन तू सुबह तो मैंने डर गई थी मैंने ये कर क्या रहे इसके ये ना कपड़े चेंज कर रहे हैं इस बंदे के और उसके हाथ भी निकाल दिया और यहाँ देखो यहाँ भाई बेचारे के हाथ वाथ निकाल दिए उसकी पैंट पहना रहे हैं मैं तो डर गई मैं सबको बोल सो क्या कर रहे हैं हम डर के तो उन्हें क्या कर रही हैं तो गाइस हम मॉल में हैं और ये देखो मैं आपको बिहाइंड द सीन दिखाती हूँ रील तो आपको मिली जाएगी क्या बात है वाह वाह हर जगह शुरू हो जाते हैं पहाड़ी है हम पहाड़ी जहाँ जाएंगे वहाँ मैं तुम्हें देख के कर ली दोस्तों मुझे बिल्कुल नहीं आ रहा था फिर भी मैंने कर ही लिया जैसा आया
मैं जाने खाली हो गई यार आज का। बहुत आपका आपका धन्यवाद, आपने ऐसी वीडियो बनाई जब हम रील बना रहे हैं। तो अब हमने यहाँ पे डिसाइड किया है कि हमें मोमोज खाना है, क्योंकि एक छोटी बहन है उसने बताया कि यहाँ पे अच्छे मिलते हैं। थैंक यू बस ये मैं एक पीस। दोस्तों मेरी दोस्त गई है ब्लॉग क्या कहते हैं मोमोज लेने, मोमोज रवि ना कुछ पीने का भी होगा। तो देखो बहन ये इतनी मोमोज लवर है अभी ना, मोमो मोमो हाँ। तो ये पता क्या है, ये अभी एक सिजलर फ्राइड राइस और डोसा खा के आई है, फिर से मोमोज खा रही है, भाई गजब लड़की है। दोस्तों ये आए हैं मोमोज लेके और चलो अलग लो चलो बैठो। तो दोस्तों ये देखिए मेरी बेटी कितने फंसा रही है खाने को देख के, सुनी बात में निकल रही है यहां देख रही खुशी से खुशी मोमोज देख के, जैसे माँ की खुशी से बेटी की। ये दोस्तों यहाँ लड़ाई होती हुई, ये क्या है चंटा चंटा शहर में आके साले मार है। तो अपने शहर में ऐसे अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है। नहीं ऐसी की बात नहीं, ऐसी की बात हुई थी। ग्लो आ गया, ग्लो तेरे चेहरे पे जरूर दिखाइयो। चलो रे सब रोशनी के पांव छुओ, बाय बाय। ये देख संस्कारी लड़के, बाय 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 बाय। चलिए दोस्तों रोशनी जी को बाय बाय करते हैं। ठीक है रोशनी जी मिलते हैं आपसे, अब तुम वहाँ हो गए ना, खाटू श्याम जाएंगे हम। हाँ कब जा रहे, कैंसिल नहीं हो गया क्यों? अभी जाएंगे। चांद को सिक्का, चांद को सिक्का, तेरी रानी हुकुम को इक्का, हुकुम को इक्का, ना देरो ना देरो ना नैनीताल की नेरो, बलि छमे